ये वही पानी है जो पहाड़ों से नदी नाले मिलकर बढ़कर टनकपुर पहुंचती है और टनकपुर पहुंचने के बाद डैम बन जाता है। और ये जो डैम का पानी है बनबसा आते ही गायब हो जाता है और कहां जाता है पता ही नहीं चलता है। क्या ऐसा हकीकत है, क्या ऐसा होता है? हाय, आई एम डेविड सिंह राउत एंड यू आर वॉचिंग DW ऑल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूं एक ऐसी जगह, बनबसा में ही है वो जगह। होता क्या है, पहाड़ से नदी तो आती है टनकपुर होते हुए, लेकिन बनबसा में पहुंचते ही वो नदी गायब हो जाती है। कौन सी जगह है, ऐसा क्या होता है वहाँ पे? क्या कोई भूत प्रेत देवी देवता भगवान का ताकत है या कोई टेक्नोलॉजी है, क्या है? चलिए, नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आसपास के रहने वाले लोग हैं तो विजिट कीजिए उस जगह को जहाँ पर आप लोगों को मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। तो चलिए, सो मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर पहाड़ों के जो नदी नाले बहकर टनकपुर में इकट्ठा होता है और टनकपुर से डैम बनकर आता है ये पानी, और बनबसा आते ही गायब हो जाता है। ऐसा क्या है यहां पर, क्या कोई चमत्कारी है, कोई भगवान का ताकत है, कोई देवी देवता का शक्ति है, या फिर इसके पीछे कोई साइंस टेक्नोलॉजी है, क्या है? पूरा वीडियो को देखिए। अगर इस जगह को जानते हो कमेंट कीजिए, बनबसा के लोकल वाले और जो बाहर के लोग यहाँ विजिट किए जिन्होंने वो भी कमेंट कीजिए, और कोई आना चाहते हो देखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए और देखिए पूरे वीडियो को। तो भाई देखिए, इतना बड़ा डैम, इतना सारा पानी जो टनकपुर से होते हुए आती है बनबसा, और बनबसा में ये पानी कहाँ जा रहा है कुछ भी पता नहीं है। अब देखो, ये तो पानी आया इधर, आने के बाद ये रास्ता है पानी के ऊपर, एक पुल जैसा ही बना रखा है, राइट? ये यहाँ, ये तो यहाँ आ गया, और ये रास्ता है बीच का। पानी, ये पानी है, पानी इसके नीचे होते हुए जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है पता नहीं। ये पानी गायब हो जा रहा है। और इस पानी की बात करूं, देखिए इसका बहाव कहाँ से आ रहा है, इधर से मेरे दाएं तरफ से, और ये बीच में ये पुल है और ये पानी है। अब कई लोग कह रहे होंगे भाई यही पानी है, लेकिन ये पानी बॉस बनबसा के पीछे से हुड्डी नदी कहते हैं इसको, ये वहाँ से आ रहा, देखिए ये वहाँ से आ रहा है, नीचे को बह रहा है ये पानी, ये पानी यहाँ जा रहा है। अब कई लोग कह रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे जो ये पानी आ रहा है, ये जो नदी आ रही है, डैम आ रहा है, ये डैम नीचे से, इसके नीचे से निकल रहा होगा और इसी पानी मिल रहा होगा। नहीं, और ना ही ये पानी गायब होता है, ऐसा ना सोचें। कोई देवी देवता, कोई शक्ति, कोई चमत्कार, कोई अद्भुत ऐसा चीज़ नहीं है। ये पानी कहाँ जाता है, नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए, ये अंडरग्राउंड हो रहा है, ये पूरा अंदर पानी जा रहा है। अब ये पानी नीचे वाले जो, ये जो नदी है यहाँ से आ रहा है, ऊपर से इससे नहीं मिल रहा है, ये पानी जा रहा है सीधे यहाँ से, अंदर गया पानी इसके अंदर से, जमीन के नीचे जाता है। जमीन के नीचे जाने के बाद ये जो नदी है ना, इतनी बड़ी नदी, इसके नीचे से जाने के बाद जो सामने पिलर, ये पुल दिखाई दे रहा है, बैरिकेड, इस बैरिकेड को पार करने के बाद आगे निकलती है वो, आगे जो पानी दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, ये पानी यहाँ निकलता है, कोई लुप्त नहीं होता है, ये टेक्नोलॉजी है बॉस, ये साइंस है। अब देखा, वो पानी वहाँ से आया, कहाँ से होते हुए, ये जो बीच में पुल बना रखा है, डिवाइडर बना रखा है, इसके ऊपर एक नदी, यानी कि हुड्डी का नदी है, ये हुड्डी नदी बोलते हैं, बनबसा के पीछे से आता है,
और इसके इस नदी के नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए, इस पुल के नीचे से होते हुए ये पानी जाता है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है बॉस, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी। और ये जो जगह है ना, कहाँ पर है मैं आप लोगों को बता दूँ, बनबसा पहुँचेंगे, बनबसा से किसी को भी पूछ लीजिए अगर नहीं देखा है, धनुष पुल की तरफ, ये मेरे पीछे ये है धनुष पुल, ये जगह यहाँ पर है। और ये डैम आता है, ये डैम का पानी टनकपुर से होते हुए बनबसा पहुँचती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा अद्भुत चीज़ दिखेगा। अब कई लोग जो लोकल के आते हैं ना, उनको पता नहीं होता, वो देखता कि हाँ ये डैम आ रहा है, पानी नीचे जा रहा है, और एक नदी ये हुड्डी वाला आ रहा है, ये भी नीचे बह रहा है, और एक नीचे सामने वाला पानी है, कहाँ चला गया, ये सामने जो यही पानी वहाँ एग्जिट हो रहा है, इतना देखता कि लोग चले जाते हैं। लेकिन भाई ये कुछ अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है, इसको समझे, इसको देखें। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा, चमत्कारी टेक्नोलॉजी, देवी देवता का ताकत क्या, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी है, साइंस है, कि पानी को अंडरग्राउंड करने के बाद, यानी कि एक नदी दूसरे नदी के नीचे से जा रही है, बताओ मिक्स हो ही नहीं रहा पानी। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ है, बनबसा में, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं उत्तराखंड इंडिया में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चाहे वो लोकल के रहने वाले हो या बाहर के, जिन्होंने विजिट किया है वो भी कमेंट कर सकते हैं, और जो नए आना चाहते हैं, लोकेशन पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।